हेलो, वेलकम टू द टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा की डेफिनेशन, दैट द येलोइश कलर्ड वॉटरी फ्लूड, वॉटरी पार्ट ऑफ द ब्लड कंटेनिंग सस्पेंडेड ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स। यहाँ हमें एक बात पता चली कि जो प्लाज्मा है उसमें ब्लड की सेल्स होगी, प्रोटीन्स होंगे एंड क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे। देखिए, दिस इज द ब्लड प्लाज्मा। ये जो येलो वाला पार्ट है वही है, येलो पार्ट होता है। इसमें क्या क्या है? इसमें ब्लड की सेल्स है, साथ में ही प्रोटीन्स है एंड साथ में ही क्लोटिंग फैक्टर्स है। यही कहा डेफिनेशन में, ठीक है। बात की जाए सीरम की, तो ये क्या है? द फ्लूड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर्स। यहां इसने क्या कहा? यहां इसने कहा कि जो सीरम है ना, इसके पास ना ही तो ब्लड सेल्स होगी, नो ब्लड सेल्स एंड नो क्लोटिंग फैक्टर्स। अब देखिए, यहां कौन सी ब्लड सेल्स थी? यहाँ ये जो बफी कोट होता है वो मोस्टली कहाँ काउंट किया जाता है? प्लाज्मा में ही काउंट किया जाता है। नीचे कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल्स होती है। एंड प्लाज्मा के पास कौन सी हो सकती है? कुछ क्वांटिटी में WBCs एंड कुछ क्वांटिटी में प्लेटलेट्स। बट यहाँ पे सेल्स यहाँ नीचे क्लोट हो जाती है, जबकि सीरम के पास ना ही तो ब्लड सेल्स होती है ना ही क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो द सेकेंड डिफरेंस इज क्लोटिंग फैक्टर्स। तो अभी हमने देखा कि प्लाज्मा के पास तो क्लोटिंग फैक्टर्स थे, बट सीरम के पास कोई क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है। थर्ड हम देखेंगे एबिलिटी टू क्लोट। हैज द एबिलिटी टू क्लोट, डज नॉट हैव द क्लोटिंग एबिलिटी। इसके पास एबिलिटी होती है क्लोट होने के लिए, जबकि इसके पास एबिलिटी नहीं होती क्लोट होने के लिए, क्योंकि क्लोट पहले ही कहाँ आ चुका है? नीचे आ चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी। इसकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? सेल्स है ना प्लाज्मा के पास, जबकि सीरम के पास कोई सेल्स नहीं है, तो इसकी डेंसिटी लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शेप, शॉर्टर एंड वाइडर, जबकि ये क्या होती है? नैरोवर एंड बिट लॉन्गर। मतलब देखो कितना छोटा सा पार्ट है ना, शेप इसकी कितनी है? छोटी है, जबकि इसका अमाउंट कितना है? ज्यादा है। थोड़ी सी यहाँ पे आके कैसी हो गई है? थोड़ी सी मतलब संकुची हो गई है, एंड साथ में ही क्या हो गई है? इसका पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लाज्मा से, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके पास क्या होते हैं? प्लाज्मा में वॉटर होता है, ब्लड सेल्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं एंड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। जबकि सीरम के पास भी सभी प्रोटीन्स होते हैं, वॉटर भी होता है, मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, लेकिन इसके पास क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते। ये मेजर डिफरेंस है प्लाज्मा एंड सीरम का, कि सीरम के पास क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, बाकी सब होता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो ये इसका प्लाज्मा का वॉल्यूम होता है 55%। देखिए ये प्लाज्मा कितना होगा? 55% ऑफ द टोटल ब्लड। जबकि सीरम की बात की जाए तो सीरम कितना होगा? एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम कंपेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। एज कंपेयर टू इसका परसेंटेज कम होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा की, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? किसने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को मेंटेन किया, साथ ही में इसने बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट किया, क्योंकि इसके पास कौन होती है? एंटीबॉडीज होती है। जबकि सीरम ने क्या किया? यूज इन द डायग्नोस्टिक्स टू डिटेक्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन लाइक डायबिटीज। बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं वो किससे लगते हैं? सीरम से लगते हैं। तो डायबिटीज में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, डायग्राम्स बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि ये हमेशा एंटीकोगुलेटेड वाइल में यूज, एंटीकोगुलेटेड वाइल में ही बन सकती है, ठीक है। जैसे कि जो लैवेंडर होती है अपनी EDTA वाइल, उसमें कलेक्ट किया जाता है, जबकि ये हमेशा प्लेन वाइल में ही बन सकती है या फॉर्म होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।